पिछले साल लश्करी तजबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र की 1267 समिति के तहत संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया। सुरक्षा परिषद के सभी 15 से 14 सदस्य इसके पक्ष में थे, लेकिन चीन, जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ने प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया। लेकिन कुछ समय पहले ही चीन ने टेक्निकल होल्ड को हटा लिया है और ऐसा होते ही अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकवादियों की सूची में डाल दिया गया। आइए समझते हैं कौन है अब्दुल रहमान मक्की, क्या है संयुक्त राष्ट्र की 1267 समिति और क्यों नरम पड़े हैं चीन के तेवर। नमस्कार, वेलकम टू द पंचतंत्र फाइल। अब्दुल रहमान मक्की टेरर फंड इकट्ठा करने, युवाओं को हमला के लिए उकसाने और आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए एक बड़ा नाम है। मक्की भारत के जम्मू कश्मीर में टेरर ऑपरेशंस के लिए फंड इकट्ठा करता था। ये लश्करी तैयबा और जमातुल दावा का चीफ हाफिज सईद का ब्रदर इन ला है और 2008 के भयानक मुंबई हमलों का आरोपी भी है। ये लश्करी तैयबा का डेप्टी चीफ है और जमातुल दावा का वर्तमान चीफ भी। मक्की पुणे के जर्मन बेकरी धमाके से 8 दिन पहले मुजफ्फराबाद में एक जहरीला भाषण देता है। इसके अलावा वो भारत के 3 शहरों में आतंकी धमाके करने की धमकी भी देता है। भारत के दबाव में अमेरिका ने इस आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की सूची में डाल दिया था। चीन, जो पाकिस्तान का हायर देन हिमालय, डीपर देन ओशियन, स्वीटर देन हनी और स्ट्रॉन्गर देन आयरन वाला दोस्त है, ने आखिरकार पाकिस्तान को झटका क्यों दे दिया है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की 1267 समिति क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म है, जिसके तहत आतंकी संगठनों और आतंकियों को सूचीबद्ध किया जाता है। मोटा मोटी तौर पर यह है कि जैसे हम से भारत में हमारी सरकार आतंकवादियों और उनकी संस्थाओं के विरुद्ध UAPA के तहत कार्रवाई करती है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र अपनी समिति 1267 के तहत आतंकवादियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं को सूचीबद्ध करता है। आइए अब समझते हैं कि आखिर चीन के बदलते तेवर का कारण क्या है। मुख्य वजह है चीन पर पड़ने वाला चौतरफा दबाव, जिसने चीन को अलग थलग कर दिया है। भारत ने मक्की के विरुद्ध लगातार कूटनीतिक दबाव बनाए रखा, आतंकी के विरुद्ध सभी सबूतों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा और चीन के लिए इस मामले में अलग थलग पड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह गया। इसके अलावा कुछ विद्वान उस कारण का भी जिक्र कर रहे हैं जो तात्कालिक हो सकता है। पाकिस्तान के महावाणिज्य दूतावास ने चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रही ज्यादति के विरुद्ध ट्वीट कर दिया। चीन ऐसी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाता है और शायद यहाँ भी चीन आग बबूला हो उठा। लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा और शायद इसीलिए उसने न सिर्फ ट्वीट को डिलीट कर दिया बल्कि ट्विटर अकाउंट के हैक होने की जानकारी दी। सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ ट्विटर अकाउंट हैक का मामला अक्सर हो जाता है, लेकिन भारत में कुछ जानकार इसे PTI और सरकार की कलह का नतीजा बता रहे हैं। अंदर के बंदे ने करा है, ठीक है, ये अंदर के बंदे ने करा है, कोई हैक शैक नहीं हुआ है, ये अंदर के बंदे ने करा है। और अंदर के बंदे ने, क्योंकि ये हो सकता है और ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है कि ये वफादार है जिसने करा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफादार है, ये इमरान खान की पार्टी का बंदा है। ये हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबल कि इमरान खान की पार्टी का, और उसने बोला कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को थोड़ा सा चीनियों से 2-4 थप्पड़ वप्पड़ लाफा शाफा पड़वाएंगे, तब ये लोग अपनी औकात में आएंगे, चलो ये कर देते हैं चुपचाप, क्योंकि पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता ना, अपने मुल्क को जलील कर दिया अपने फायदे के लिए, और दे डोंट केयर। ये या तो वो चक्कर है या दूसरा चक्कर एक और हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है कि कोई रेडिकल है अंदर जो विगर मुसलमानों के लिए इसका एक्चुअली दिल धड़कता है, पूरे पाकिस्तान का तो नहीं धड़कता, पाकिस्तानियों को तो पैसा चाहिए, लाहौरी चूरन नोट, दैट्स इट। लेकिन ये बंदा जो है, ये बंदा कह रहा है कि नहीं, मैं इस चीज को उजागर करूंगा और पाकिस्तान के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से उजागर करूंगा, तब जाके ड्रामा हुआ है। क्योंकि इतनी बार नहीं हो सकता, एक दो बार मैं समझ सकता हूं कि हैक हो सकता है, भगवान ना करे हो सकता है इंडिया का ही हैक हो जाए, अमेरिका का हैक हो जाए, चाइना का हैक हो जाए, किसी भी मुल्क का हैक हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का दर्जनों बार हैक हो रखा है, तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सिर्फ इत्तेफाक है। इट्स नॉट सिंपली अ कोइंसिडेंस। सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र की 1267 समिति के तहत टेररिस्ट घोषित होने के बाद क्या होता है। देखिए, मक्की के अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंध लग जाएगा, इसके अलावा उनके एसेट्स को जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि मेरा यह मानना है कि चीन ने 6 माह की होल्डिंग और उससे ज़्यादा कुल मिलाकर 3 साल की होल्डिंग लगाई, इसलिए उसने अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लिया होगा, और मुझे नहीं लगता कि मक्की के पास कोई ऐसे एसेट्स बचे होंगे जो उनकी योजनाओं में बाधा उत्पन्न कर सकें।
दूसरा, पाकिस्तान में यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अब 135 हो चुके हैं, मतलब पाकिस्तान अब 135 संयुक्त राष्ट्र डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का पनागा है। साथ ही वहाँ 25 यूएन डेजिग्नेटेड टेरिटरीज भी हैं। इससे पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखने में मदद मिलेगी। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि क्या संयुक्त राष्ट्र का यह कदम पर्याप्त है। इसका उत्तर उतना सिंपल भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र वर्तमान वैश्विक चुनौतियों को निपटा पाने में कम सक्षम नज़र आता है। कई वैश्विक चुनौतियां हैं और टेररिज्म उनमें से एक है। यह संस्था अभी भी 20वीं शताब्दी में रह रही है। अमेरिका उसके मित्र देश हैं और दूसरी तरफ उसका दुश्मन रूस। लेकिन 21वीं सेंचुरी में चुनौतियाँ भिन्न हैं। टेररिज्म, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, ग्लोबल साउथ से जुड़े हुए मुद्दे, डिजिटल डेटा, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और बायो वारफेयर जैसी चुनौतियां संयुक्त राष्ट्र का कद बौना करती जा रही हैं। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अभी भी इसी बात को लेकर परेशान हो जाता है कि अमेरिका व उसके मित्र देशों को यूक्रेन के पक्ष में कैसे खड़ा किया जाए और रूस के विरुद्ध कूटनीतिक सहमत को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को एक फ्रोजन 1945 इन्वेंटेड मैकेनिज्म कहा है, जो अपने सभी सदस्यों के विस्तृत चिंताओं को समझ पाने में नाकाम है। धन्यवाद।